अमेरिका ने हमेशा युद्ध जीतने के लिए साम दाम दंड भेद की प्रक्रिया अपनाई है, और आज हम एक ऐसी ही युद्ध की चर्चा करेंगे। अगर आप हिरोशिमा और नागासाकी को गेस कर रहे हैं तो आप गलत हैं, क्योंकि हम बात कर रहे हैं वियतनाम के खिलाफ लड़ा गया युद्ध। वियतनाम वॉर की शुरुआत वैसे तो 1 नवंबर 1955 में हो गई थी, पर असल युद्ध शुरू हुआ था जब 9 फरवरी 1965 को अमेरिका ने अपने लाखों सैनिक उतार दिए थे। वियतनाम के पास उस समय बहुत ज्यादा सेना नहीं थी, इसलिए इस जंग में महिलाएं और पुरुष दोनों शामिल हुए। अमेरिकी सैनिकों ने वियतनाम की महिलाओं को बंदी बनाना शुरू कर दिया और उन्हें प्रिजनर्स ऑफ वॉर मैनेजमेंट स्टेशन भेजने लगे। यहां महिलाओं को एम्प्टी प्रेगनेंसी प्रोलैक्टिन दिया गया, जिसके कारण शरीर और दिमाग में डैमेज होने लगा और वे ठीक तरह से सोच नहीं पाती। उनसे कोई भी बात पूछी जाए तो तुरंत उसका जवाब दे देती थी। बता दें कि इस दवाई का इस्तेमाल पशुओं के लिए किया जाता है। पशुओं को दी जाने वाली दवा का इस्तेमाल महिलाओं को देना कितना क्रूरता हो सकता है, इसका अंदाजा लगा पाना भी मुश्किल है।